तो वो हम लोग यहाँ पे विराटनगर में आंदोलन करवा करके मधेशियों से, और भारत में बैठ करके नेपाली कांग्रेस नामकरण करके पार्टी बना दी। फिर वह डीपी कोइराला जैसे लोग पार्टी बना दिया। फिर जब कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिया कुछ व्यक्तियों को, आप सबकी हम सबकी साधारण हम सबके चेहरा वाले उपेंद्र यादव जी को जब वहां पे जगह नहीं मिला तो इन्होंने मधेशियों को उकसाया, और आप सब हम सब में एक जुनून आया कि भाई मधेशियों को हक मिलना चाहिए। हम सब ने जब वोट पे आए तो यह अवसरवादी मधेशी जन अधिकार फोरम नाम करके पार्टी बना लिया, और विभिन्न कांग्रेस में रहे महान ठाकुर जैसे लोग तमलोपा बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, और उसी कांग्रेस उसी एमएलए में से फूट करके कुछ लोग उस समय में सद्भावना बना लिए, अपने अपने लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने सिर्फ पार्टी बनाया, ना कि जनता के लिए पार्टी बनाया हो। जबकि जनमत पार्टी ऐसी पार्टी है किसी से फूट करके डॉक्टर सी के राउत ने इस पार्टी का निर्माण नहीं किया है, कहीं से आयातित होकर के हम सब ने इस पार्टी का निर्माण नहीं किया है। हम सब ने इस पार्टी का अगर निर्माण किया है तो आप सब ने जो जनमत दिए हैं, आप सब ने जो मत दिया है, आप सब ने जो कहा था कि आप सब भी अपना चिन्ह लेकर आइए, आपको भी हम वोट देंगे, और उसी का सम्मान करते हुए आपके बीच में से इस पार्टी को बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जनमत पार्टी। और यह जनमत पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो आपकी पार्टी हो, अन्यथा कोई भी पार्टी नहीं है। ये केवल गुमराह करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। ये जो भी पार्टी हो यहाँ पे जितना भी नाम लेकर के आते हैं, बताओ किसी का अध्यक्ष किसी पार्टी में लगा हुआ अध्यक्ष आपके लिए आपकी भूमि के लिए कभी भी किसी आंदोलन में गया हो या किसी कहीं जेल में गया हो, हमको बता दीजिए। यहाँ पे इतिहास नहीं है कि किसी पार्टी का अध्यक्ष जेल में जाकर के ये साबित किया हो कि हम मधेशी जनता और इस भूमि की रक्षा के लिए जेल के आए हैं, सिवाय डॉक्टर सी के राउत के।